और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। शहर के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक रसोमा चौराहे का ये वीडियो है, जहां पे एक श्रेया कालरा नाम की युवती ने रेड सिग्नल पे दोपहर में अचानक आकर के जेब्रा डांस करने लगी। पहले तो लोगों ने समझा कि ये ट्रैफिक पुलिस का कोई अभियान है, लेकिन बाद में पता चला कि अभियान नहीं, ये तो बहुत बड़ा पैशन है। फिर लोगों ने वीडियो बनानी शुरू कर दिया उसे वायरल। जरा आप भी देखिए। जैसे ही इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस को जानकारी मिली, उधर जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंची, तो नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट भी किया और बताया कि मेरे संज्ञान में ये विषय आया है और उनका भाव जो भी हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन है। मैंने निर्देशित किया है कि इस पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत ना करे। मेरे ध्यान में ये विषय आया है और ये जो उन्होंने किया है, भाव उनका जो भी हो, पर तरीका गलत था, और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित न हो। इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर फ्लैश मॉब करने को लेकर के मॉडल पे नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और अब कार्रवाई हो रही है। ये फ्लैश मॉब जो है उन पे अब भारी पड़ने जा रहा है और इसको लेकर के शहर में चर्चा हो रही है। इसलिए सभी से अपील है कि जो भी युवक या युवती इस तरीके का शौक रखते हैं, वो कम से कम सार्वजनिक जगहों पर इस तरह न करें, अदरवाइज नियमानुसार कार्रवाई होगी तो फिर जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।